नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब वाले रेड बटन पर क्लिक कीजिए और नए वीडियोस की जानकारी पाने के लिए घंटी वाले यानी बेल वाले आइकॉन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। धन्यवाद। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। न्यूटन के बारे में कहा जाता है कि वो एक बार किसी एप्पल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। वहां पर उनके ऊपर एक एप्पल का फल गिरता है। फल के गिरने से वो सोचने लगते हैं कि ये फल नीचे क्यों आए, और जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आती है। तो फिर उन्होंने अपना एक नया सिद्धांत दिया, जिसको आज हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यानी कि द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। ये सिद्धांत इन सभी घटनाओं को सही तरीके से स्पष्टीकृत करता है। दोस्तों, आज जो आप टीवी देख रहे हैं, अगर ये नियम नहीं होता तो आप नहीं देख पाते। ऐसे ही कई रोचक चीजें इस सिद्धांत के आने से संभव हुई हैं। तो हम उनके सिद्धांत को समझते हैं। तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार इस ब्रह्मांड में स्थित कोई भी दो द्रव्यमान हमेशा एक दूसरे को एक बल के द्वारा आकर्षित करते हैं। इस बल का परिमाण उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे अगर हम M1 और M2 द्रव्यमान के दो गोले लें और उनको r दूरी पर रखा जाए तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल का परिमाण कैपिटल जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन r² के बराबर होगा, और उन दोनों गोलों पर बल की दिशा एकदम विपरीत होती है। दोस्तों, जब आप किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आती है? क्योंकि वस्तु और पृथ्वी के मध्य आकर्षण बल लगता है और उस आकर्षण बल के कारण वस्तु नीचे की तरफ आती है। अब आपका सवाल होगा कि पृथ्वी ऊपर क्यों नहीं जाती? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है उस वस्तु के मुकाबले, तो हमको पृथ्वी की गति दिखाई नहीं देती है। तो दोस्तों, अब हम ये निकालना चाहते हैं कि कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर कितने त्वरण से गिरती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, माना कि एक स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है, तो पृथ्वी और उस वस्तु के मध्य आकर्षण बल कितना लगेगा? कैपिटल g इंटू कैपिटल m इंटू स्मॉल m अपॉन r प्लस h का स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल g एक कांस्टेंट है, एक अचर है, जिसका मान 6.67 इंटू 10^-11 होता है। कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है, कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या है। अब अगर वस्तु की ऊंचाई कुछ किलोमीटर है तो हम R प्लस H को R के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि R का मान 6300 किलोमीटर होता है। तो F का मान हो जाएगा कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r². अब वस्तु का त्वरण क्या होगा, उस पर लगने वाला बल अपन उसका द्रव्यमान, तो यहां से हमें उसका त्वरण मिल जाएगा, जिसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, और स्मॉल g का मान हो जाएगा कैपिटल g इंटू कैपिटल m अपॉन r², और इसकी वैल्यू लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। कई बार प्रश्नों में हम g को 10 के बराबर भी लेते हैं। दोस्तों, चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर क्यों लगाता है? क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य आकर्षण बल लगता है, और ये आकर्षण बल चंद्रमा को अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, और इसी कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसी कारण जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो सूर्य और ग्रहों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल
के कारण मिलता है। दोस्तों, अब हम ग्रेविटेशन के अधीन होने वाली गतियों को न्यूटन के समीकरणों के माध्यम से समझना चाहते हैं। अगर वस्तु की ऊंचाई पृथ्वी तल से कुछ किलोमीटर है तो हम गुरुत्वीय त्वरण को नियत मान सकते हैं, और इस कारण न्यूटन के समीकरण निम्न प्रकार होंगे। v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। दोस्तों, न्यूटन के समीकरण लगाते समय हमें निम्न बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जिन राशियों की दिशा ऊपर की तरफ है उनको हम धनात्मक लेंगे, और जिनकी दिशा नीचे की तरफ है उनको हम ऋणात्मक लेंगे। और चूंकि जी की दिशा हमेशा नीचे की तरफ होती है, इसलिए हम जी को हमेशा नेगेटिव लेंगे। दूसरा, टाइम की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होनी चाहिए। दोस्तों, एक उदाहरण के माध्यम से इसको थोड़ा और समझते हैं। माना कि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है तो उसका प्रारंभिक वेग पॉजिटिव होगा यानी कि धनात्मक होगा, उसका त्वरण ऋणात्मक होगा, और अंतिम वेग और ऊंचाई प्रश्न के अनुसार लेंगे। इस परिस्थिति में ऊंचाई की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव ही होगी, और ऊंचाई की एक वैल्यू के लिए टाइम की दो वैल्यू होगी। दोस्तों, अब हम एक ऐसी वस्तु की गति का ग्राफ बनाते हैं जिसको कुछ ऊंचाई से छोड़ा जाता है। दोस्तों, क्योंकि हम वैसे ही जानते हैं कि नीचे की दिशा को हम ऋणात्मक लेते हैं, तो तीनों ग्राफ जो कि त्वरण समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ चतुर्थ चतुर्थांश में बनेंगे यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेंगे। तो पहला ग्राफ त्वरण समय ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा, एक समय अक्ष के साथ समांतर सरल रेखा, क्योंकि त्वरण का मान नियत है। और इसी प्रकार वेग समय ग्राफ भी एक सरल रेखा आएगी जिसकी ढाल -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, और यह रेखा मूल बिंदु से स्टार्ट होगी। तीसरा ग्राफ विस्थापन और समय के साथ, क्योंकि हम जहां से वस्तु को छोड़ रहे हैं उसको मूल बिंदु मान रहे हैं, तो प्रारंभिक टाइम में वस्तु का विस्थापन जीरो होगा, और वस्तु जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगी उसका विस्थापन ऋणात्मक होता जाएगा, और यहाँ पर उसका त्वरण नियत है, तो इसका ग्राफ नीचे की दिशा में खुला हुआ एक परवलय मिलेगा। दोस्तों, अब हम द्रव्यमान और भार में अंतर समझते हैं। द्रव्यमान मतलब मास को हम किसी वस्तु के घनत्व और आयतन से संबंधित करते हैं, जबकि किसी वस्तु का भार उस पर पृथ्वी के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। दोस्तों, मास को हम कमानीदार तुला से मापते हैं, जबकि भार यानी कि वेट को हम स्प्रिंग तुला से मापते हैं। दोस्तों, किसी वस्तु का द्रव्यमान निश्चित होता है, जबकि भार अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। जैसे पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अलग होगा और चंद्रमा पर अलग। हाँ, तो दोस्तों, हमने गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर को पढ़ लिया है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी वस्तु को ऊपर की तरफ 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो किस समय वस्तु का वेग -30 मीटर पर सेकंड होगा। इसको करने के लिए हम न्यूटन का पहला समीकरण लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यहाँ पर v, u और g के मान रख देंगे और t की वैल्यू 7 सेकंड मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, अगर वस्तु का द्रव्यमान m किलोग्राम है तो पृथ्वी और चंद्रमा पर भार बताओ, जबकि आपको ये दे रखा है कि चंद्रमा पर चंद्रमा के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण का मान
पृथ्वी के मुकाबले 1/6 गुना होता है। दोस्तों, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण इंटू द्रव्यमान होता है, तो पृथ्वी पर उसका भार हो जाएगा m × g और चंद्रमा पर हो जाएगा m × g/6। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिनको हल करने का प्रयास करो। इन सभी क्वेश्चनों के हल वर्णन में दे रखे हैं। अंत में दोस्तों, मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके ही प्रेम के कारण हम